सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के मेदिनीनगर निगम में दिन बुधवार को 5 सड़कों का शिलान्यास महापौर अरुणा शंकर एवं उप महापौर मंगल सिंह के द्वारा किया गया। शिलान्यास के दौरान मास्क व सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया गया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए महापौर अरुणा शंकर ने कहा कि आज निगम क्षेत्र में 5 सड़कों का शिलान्यास किया गया है। वार्ड नंबर 8 में कृष्ण मोहन पांडे के घर से विकास सिंह के घर तक फेवर ब्लॉक सड़क निर्माण व वार्ड नंबर 3 में सत्संग मंदिर से सतीश तिवारी के घर तक फेवर ब्लॉक सड़क निर्माण और वार्ड नंबर 3 में ही इंडियन गैस गोदाम महुआ पेड़ से बैरिया ग्राम का सड़क निर्माण व वार्ड नंबर 3 में निमिया मेन रोड से जेएस कॉलेज तक सड़क निर्माण व वार्ड नंबर 2 में संतोष तिवारी पेट्रोल पंप से हदहदवा आरसीसी तक नाला का शिलान्यास व वार्ड नंबर 4 में हनुमान नगर रोड नंबर 1 से लेकर गायत्री नगर पांकी रोड तक सड़क निर्माण व वार्ड नंबर 4 में ही मधु सिंह के घर से लेकर बैजनाथ शर्मा के घर तक शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे सड़क जो 20 सालों से रोड नहीं बना है उस सड़कों का शिलान्यास करने का काम वो किए हैं। सड़क नहीं रहने के कारण बहुत सारी परेशानियां आम लोगों को प्रतिदिन होता है। इसी तरह से हमारे सभी वार्ड में भी शिलान्यास किया जाएगा, नाली भी बनेगी, रोड भी बनेगा, हम विकास के कार्यों में कमी नहीं आने देंगे। इसी तरह से नगर निगम का विकास होता रहेगा। वहीं महापौर ने लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया और शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का कहर, हम सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। हम लोगों की थोड़ी सी लापरवाही से कोरोना अपना फिर से पैर पसारने लगी है और कोविड-19 का टीका सभी लोग अवश्य लगवाएं। मौके पर उपस्थित उप महापौर मंगल सिंह ने कहा कि हमारे नगर निगम क्षेत्र में बहुत खुशी की बात है कि आज ऐसे सड़कों का शिलान्यास किया गया जो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं बना और ऐसे ही विकास की कार्य तेजी से नगर निगम में आगे बढ़ेगी। उप महापौर ने आगे लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी को इस कोरोना महामारी में मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए, बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मौके पर दर्जनों की संख्या में शहरवासी व वार्ड पार्षद मौजूद रहे। लोग करीब 5 रोडों का शिलान्यास किए जो सभी ग्रामीण क्षेत्र में आते थे और लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था। कुछ रोड तो ऐसे थे कि जिसमें 20 साल से, अभी 3 नंबर वार्ड में हम लोग गए थे, वहाँ हमको लगता है कि 20 साल से कोई रोड नहीं बना था जिसमें अभी कालीकरण हो रहा है। और ये 4 नंबर इसमें इनका राजू जी का है, ये भी रोड जो है, और जैसा कि सभी जानते हैं कि ये इन सब रोडों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था बच्चों को, अभिभावक को, या किसी भी तरह जो आने जाने में, मेन रोड में आने जाने में। तो इस तरह के दिक्कतों को देखते हुए इस तरह आज जो सब शिलान्यास हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, जनता के लिए लाभदायक होगा। आज तो हुआ है सब इसमें, लेकिन इस तरह से हमारे सभी वार्डों में भी हम लोग रोड का और इसका जहाँ जहाँ पर भी, जैसे रोड से हट के जो अंदर पे रोड है, उस सब रोडों का भी शिलान्यास हो रहा है। लगातार शिलान्यास होते रहेगा और होली के बाद नए साल में इस तरह से कोरोना के बाद अभी ये सब शिलान्यास हो रहा है। नाली भी बनेंगे, रोड भी बन रहे हैं, नित्य नए, मतलब हम लोग अपने कार्य से जुड़े हुए हैं, विकास का कार्य हो रहा है और इससे हम सबको, काफ़ी जनता को लाभ होगा और हम सब उनके साथ हैं। उनके दुख को देखते हुए, जैसा कि सभी अभी भाई बता रहे थे कि ऐसा रोड भी है जहाँ पे कभी रोड बना भी नहीं था, कालीकरण हुआ नहीं था, उन रोडों का कालीकरण इस तरह से हो रहा है निगम में जुड़ने के बाद, तो ये शुभ संकेत है हमारे नगर के। अभी शहर में ही कल निकले हैं कई पॉजिटिव, अभी सभी को ये बहुत ही कठिन समय है, क्रिटिकल समय है। लोगों को अभी मास्क तो बिल्कुल पहनना ही है, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ये पालन करना है, क्योंकि अभी दोबारा जो बीच में हम थोड़ा लापरवाह हो गए थे कि हम काफ़ी कोरोना से अब बच गए, अब ऐसा है, अब देखिए जैसे टीकाकरण अभी शुरू हुआ तो फिर वापस इस तरह से कोरोना का कहर फिर वापस आ रहा है। हर महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड जो है, सारे स्टेट मतलब प्रभावित हो रहे हैं। इसको देखते हुए हमें खुद ही जागरूकता लेना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ज़रूरत हो तब आप निकले, भीड़ भाड़ के समारोह से दूर रहें जितना हो सके। और सभी से अनुरोध है कि अब जो भी 45 साल से ऊपर के लोग हैं
वो टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि ये वैक्सीन आपको बहुत ही सुविधा करेगा, किसी तरह का अटैक होने पर भी आप उससे बच सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है, किसी तरह का डर का जरूरत नहीं है इसमें कि इसको लगाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। और इसलिए टीका जरूर लगवाना है, वैक्सीन जरूर लगवाना है, दो वैक्सीन है और आपको जो पहला वैक्सीन और दूसरा वैक्सीन, दोनों वैक्सीन का डोज आपको लेना ही लेना है। और इसी तरह आप इस महामारी से निजात पा सकते हैं। बहुत ही खुशी की बात है हमारे नगर निगम क्षेत्र के लिए कि हम और हमारी बड़ी बहन इस नगर निगम के महापौर श्रीमती अरुणा शंकर जी आज ऐसे ऐसे रोडों का शिलान्यास किया गया है जो कि हमको लगता है कि सदियों से उसको रोड बना नहीं, जैसे बरिया में भी जो रोड का हम शिलान्यास किए हैं वो आज़ादी के बाद बनाए हैं, गेट वन गेट टू, मैंने बहुत ही जर्जर स्थिति में रोडें थी और जो जो ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम से जुड़ी हुई थी ये मुख्य मुख्य सड़कें थी जिसमें लोगों को जाने में दिक्कत होती थी। यदि बच्चों को स्कूल पहुंचाना पड़ता था तो अभिभावकों को गोद में ले करके उनको रोड पर लाना पड़ता था, तब जाकर के वहाँ जूता चप्पल पहना करके स्कूल बस पर वो बैठाया करते थे। तो ऐसी समस्या हुआ करती थी। आज हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज इस काम में हम लोग लगे हुए हैं, इससे नगर निगम के रहने वाले सभी लोगों को बहुत फायदा मिलेगी। नमस्कार।